नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आप पंजाब एंड सिंध बैंक के मोबाइल बैंकिंग को ऑनलाइन घर बैठे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर से पंजाब एंड सिंध बैंक के ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग PSB को डाउनलोड करना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम पहले से डाउनलोड कर लिए। चलिए यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको यहाँ से ओपन कीजिए तो आपके सामने इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। जब ये ओपन होगा तो आप अब यहाँ देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से आपके देखिए दो ऑप्शन मिल जाएगा इसको रजिस्टर करने के लिए। यदि आपका अकाउंट पहले से पंजाब एवं सिंध बैंक में, तो आप कर सकते। यदि आपका अकाउंट ओपन नहीं, तो आप अकाउंट ओपन भी कर सकते। देखिए बोल रहा है ओपन न्यू अकाउंट, आपको यहाँ से न्यू अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन मेरा पहले से इसमें एक अकाउंट है, चलिए आपको इसका रजिस्टर करके हम दिखाते हैं। इसके लिए देखिए आपको फिर ऑप्शन मिल जाएगा रिटेल अकाउंट की, फिर आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा रिटेल अकाउंट के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना होगा। फिर आपको सेंड SMS के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ लिंक होगा वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा, सिम के ऊपर सेलेक्ट करके उसके बाद नीचे मिल जाएगा प्रोसीड का ऑप्शन, आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा जो कि आपके बैंक के साथ लिंक होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। जैसा कि आप अभी देख पाएंगे आपका जो मोबाइल नंबर होगा पहले से वो आपको ऊपर में शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको डालना होगा कस्टमर, यहाँ देख पा रहे कस्टमर डालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है अकाउंट नंबर, तो आपको अपने पासबुक से कस्टमर ID और अकाउंट नंबर दोनों देख करके डाल लेने होंगे। फिर आपके अकाउंट के साथ जो भी ईमेल ID लिंक होगा वो ईमेल ID यहाँ इंटर कर देना होगा। उसके बाद के नीचे बोल रहा है IM एग्जिट इंटरनेट बैंक यूजर। यदि आप पंजाब एंड सिंध बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर देंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको ही खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए पहले हम ऊपर वाला सारा डिटेल फिलअप करते हैं, कस्टमर ID और अकाउंट नंबर और ईमेल ID, फिर आपको आएगा प्रोसेस हम दिखाते हैं। तो जैसा कि आप अभी यहाँ देख पाएंगे, देखिए हम अपना कस्टमर ID अपने पासबुक से देख के एंटर कर दिया। उसके बाद मेरा जो अकाउंट नंबर था अकाउंट नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद एक ईमेल ID जो मेरे बैंक के साथ लिंक था उस ईमेल ID को एंटर कर दिया। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू होगा तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का, फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने दो ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार से। सबसे पहले बोल रहा है डेबिट कार्ड, यदि आपके पास डेबिट कार्ड तो आप अपना डेबिट कार्ड का सारी डिटेल फिलअप करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आपके पास डेबिट कार्ड नहीं, तो आपको एक बार ब्रांच जाना होगा, वहां से आपको एक टोकन नंबर जनरेट करवाना होगा। देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा होगा बैंक टोकन, फिर आपको टोकन नंबर पर क्लिक करके यहाँ से आपको एक 6 डिजिट का टोकन नंबर मिलेगा। उस टोकन नंबर को डाल करके यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास डेबिट कार्ड है अर्थात ATM कार्ड, ATM कार्ड का सारी डिटेल यहाँ फिलअप कर देंगे। जो 16 डिजिट का अक्षर होगा इसमें डाल देंगे, उसके बाद एक्सपायरी इसमें डाल देंगे, उसके बाद जो भी ATM कार्ड का पिन है इसमें हम डालेंगे। चलिए सारी डिटेल आपको फिलअप करके हम आई का प्रोसेस दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप अभी यहाँ देख पाएंगे ऊपर में ATM कार्ड का जो 16 डिजिट का अक्षर था उसको डाल दिया। उसके बाद एक्सपायरी डेट, उसके बाद आपने ATM कार्ड का ATM पिन भी डाल दिया। उसके बाद क्या करना होगा, आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, फिर आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना होगा कि आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। बता रहे इन वैलिड MPIN अर्थात ATM पिन मेरा गलत है, तो ATM पिन फिर से यहाँ इंटर कर देंगे। ATM पिन इंटर करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे सबसे ऊपर में बोल रहा है ID बनाने के लिए, इंटर यूजर, मतलब आपको यहाँ से एक अपना यूजर नेम बना लेना होगा। आप यूजर नेम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम नीतीश है, हम अपना ID बना सकते हैं NITISH, उसके बाद 1 2 3 4 5, आप अपने नाम के अनुसार कुछ भी अपने इच्छा से जो भी रखना चाहते हैं आप बना सकते हो। उसके बाद आपको नीचे पासवर्ड बना लेना। चलिए पहले अपना यूजर नेम बना लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हम अपना यूजर नेम बना ले। अपना यूजर नेम डालने के बाद फिर आपको चेक एबिलिटी के ऊपर क्लिक करना होगा, क्या इस नाम से या फिर इस अक्षर के साथ पहले से कोई यूजर नेम बना हुआ है या फिर नहीं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, यदि पहले से बना हुआ या ग्रीन हो रेड हो जाएगा, यदि पहले से बना हुआ नहीं होगा तो आपको क्या मिल जाएगा अवेलेबल, आप अभी यहाँ देख पाएंगे। आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, पासवर्ड भी का कुछ आप इस प्रकार से बना सकते हैं अपने नाम का कैपिटल अक्षर देखकर। जैसे कि मेरा नाम नीतीश कुमार है, हम अपना बना सकते हैं Nitish@1234 आप जो भी बनाना चाहें आप अपने नाम के अनुसार बना सकते हैं। चलिए अपना ऐसे पासवर्ड हम बना लेंगे।
तो जैसा कि आप अभी यहाँ देख पाएंगे, हम अपना पासवर्ड बना दिया और कन्फर्म पासवर्ड भी वही पासवर्ड जो ऊपर में डाले थे नीचे भी वही पासवर्ड डाल दिए। आप अपने नाम के अनुसार कुछ भी बना सकते हैं एट द रेट लगा करके, उसके बाद 1 2 संख्या कुछ भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। कैसे बना था आपको देखिए यहाँ ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक किएगा तो आपको सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा, आप एक बार अच्छे तरह से रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खोल के ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है UPI ID बनाने का, तो आप अपना UPI ID बनाना चाहे तो बना सकते हैं, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा स्किप का, यदि आप बाद में बनाना चाहते तो आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम स्किप अभी कर देते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, आपको MPIN बनाना होगा। आप जो भी एप्लीकेशन में लॉगिन करने के दरमियान लॉगिन कीजिएगा MPIN डाल के, वही MPIN यहाँ से आपको बना लेना होगा। चलिए आपने MPIN बना लेते हैं। MPIN डालने के बाद फिर आपको नीचे कन्फर्म MPIN में दोबारा से वही MPIN डाल लेना होगा जो कि अभी आप ऊपर में डाले होंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा नीचे, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेट टी पिन अर्थात ट्रांजैक्शन पिन। जब आप यहां से मनी ट्रांसफर कीजिएगा तो आप कौन से पिन रखना चाहते हैं उस पिन को यहां से डाल लेना होगा। चलिए आपने एक MPIN डाल लेते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं 6 अक्षर का आप बना सकते हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि हम अपना ट्रांजैक्शन पिन भी बना लिए, TPIN और MPIN दोनों अलग अलग होना चाहिए और दोनों 6 अक्षर का होना चाहिए, आप बना लिया कुछ इस प्रकार। उसके बाद फिर आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक किया फिर देखिए बोल रहा है फैंटास्टिक, अर्थात यहाँ से आपका सक्सेसफुल आप मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर हो चुके, आपको देखिए देखने के लिए मिलेगा मैसेज यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर विथ, अर्थात आप यहाँ से सक्सेसफुल कर चुके। आपको क्या करना होगा, यहाँ से लॉग इन करूँगा, यहाँ से आपको लॉग इन नाउ के ऊपर क्लिक करके लॉग इन कर लेना होगा। लॉग इन जब कीजिएगा उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या आप फिंगर को इनेबल करना चाहते, यदि करना चाहते यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यदि नहीं करना चाहते आप नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। हम करना चाहते यहाँ से यस के ऊपर क्लिक करके अपना फिंगर सटा दिए। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा, लॉगिन के लिए उसके बाद देखिए बोल रहा है इंटर यूजर नेम, तो आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूं भी लॉगिन कर जाइएगा आप इस एप्लीकेशन में अपना फिंगर सटा करके। यदि आप उसको इनेबल किएंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको इसका डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। जब आप इसको सही से रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अकाउंट पंजाब एंड सिंध बैंक में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको आगे भी इस चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।